आई एम डॉक्टर राजेश बुक, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र आईपी। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं एक अच्छे काम के लिए। ह्यूमन मिल्क बैंकिंग पे परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं और जो उम्मीद है कि आम लोगों के काम पड़ेगा। मैं सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं डॉक्टर अर्मिना फर्नांडिस मैडम का। मैडम जो है ये भारत के प्रसिद्ध साइन हॉस्पिटल के नवजात शिशु विभाग के वो हेड रह चुके हैं और साथ ही उसी कॉलेज के वो डीन रह चुके हैं। स्नेहा नाम की एक एनजीओ मुंबई में वर्क करती है और यह इनका कार्य जो है ये मेनली जो स्लम एरियाज के लोग रहते हैं, खासकर लेडीज और बच्चे के स्वास्थ्य, उनका खान पान और जो घरेलू हिंसा जो होती है वो उसमें इनका काफी बड़ा काम है। 5 मेंबर से इनका शुरू हुआ काम, आज करीबन 10,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ऐसा मैडम का आज वर्क है। मैडम आज यहाँ पर जो है वो एक सबसे महत्व का जो कारण है कि आज से 31 साल पहले मैडम ने एशिया का, ख्याल रखिए भारत का नहीं, एशिया का पहला माँ का दूध का बैंक का शुरुआत मैडम ने की थी और अपना नाम इतिहास में दर्ज किया था और एक शुरुआत की थी। साथ ही मैडम ने अभी हाल ही में उनकी स्वर्गीय पुत्री रोमिला के स्मृति में एक पैलिएटिव केयर सेंटर शुरू किया है और यह काफी जनों को उपयोगी पड़ रहा है। अर्मिना फर्नांडिस मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू। साथ ही में स्वागत करता हूँ डॉक्टर संध्या खड़से मैडम। डॉक्टर संध्या खड़से मैडम यह थाना के राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन रह चुके हैं। अभी जयपुर के डीम यूनिवर्सिटी के वो प्रो वाइस चांसलर है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के तरफ से वो बाल कल्याण और स्वास्थ्य के इंचार्ज रह चुके हैं। माँ के दूध के बैंक इस विषय में वो देश व विदेश में टेक्निकल हेल्प के लिए उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर संध्या खड़से मैडम आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर सतीश तिवारी सर। सतीश तिवारी सर यह अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए से कहना, काफी अच्छी संस्थाओं की वो शुरुआत फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने की है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन मेडिको लीगल एंड एथिक एसोसिएशन, ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। ह्यूमन मिल्क बैंकिंग एसोसिएशन के वे प्रमुख स्तंभ है। मेडिको लीगल चैप्टर ऑफ आईएपी के वो फाउंडर अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और हाल ही में डू नॉट रीसेटेट या इंडियन अकेडमी ऑफ पेरेडिक के जो गाइडलाइंस है इनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं स्वागत डॉक्टर सतीश तिवारी सर आपका। हमारे बीच उपलब्ध है श्री राजीव जी भामरे। राजीव जी भामरे यह रोटरी 3030 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। मैं बताना चाहता हूँ कि वह करीबन 100 से ज्यादा क्लब्स के वो सर्वे सर्वा है और उनके मार्गदर्शन में मेडिकल नॉन मेडिकल प्रोजेक्ट्स काफी कुछ हो चुके हैं। हाल ही में मिजल्स रुपेला पोलियो, इसमें उनका महत्वपूर्ण साझेदारी रही है। और ह्यूमन मिल्क बैंकिंग और रोटरी इनका साथ आज का नहीं काफी सालों से है। मैं स्वागत करता हूँ श्री भामरे जी का। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र बाल रोग संगठना के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत जी पांड्रीकर का और मैं उनको उनसे विनंती करता हूँ कि वो सभी का स्वागत करें। धन्यवाद राजेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। सर्वप्रथम मी अच्छा या परिसंवाद आपण ज्याला चर्चा सत्र म्हणूया यामध्ये मी महाराष्ट्र आयपी तर्फे सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो। खरोखरच पालक मित्रांनो, आपण आज नशिबवान आहोत की आजच्या या पालक या चर्चा सत्राला याचा विषयाचं विषय आहे की ह्युमन मिल्क बँक।
जे अर्थातच मानवीय आईचे दूध पिढी याचं महत्त्व कदाचित आपल्याला माहिती नसेल म्हणून ते महत्त्व काय आहे हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही आज या सर्व तज्ञ मंडळींतर्फे करणार आहोत। पालक मित्रांनो मी आपल्याला सांगू इच्छितो की महा आयपी तर्फे आम्ही अशा प्रकारची चर्चासत्र घडवतो आहे जेणेकरून सर्व तज्ञ डॉक्टर मंडळींशी आपण संवाद साधून त्यांच्याकडून आपण माहिती जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम मी स्वागत करतो आजच्या या परिसंवादाला उपस्थित असलेल्या अर्मिडा फर्नांडिस मॅडम यांचं। मॅडम मी तुमचं स्वागत करतो महा आयपी तर्फे। खरोखरच मी असं म्हणेन की मॅडम एक तपस्विनी आहेत। मॅडम इतका मोठा या जो ह्युमन मिल बँकिंग आहे त्याकरता खूप मोठं कार्य केलेलं आहे। आताच सांगितलंय की फक्त महाराष्ट्रच नव्हे भारतच नव्हे तर संपूर्ण एशियामधून जी पहिली ह्युमन मिल बँक झाली ती मॅडम यांनी सुरुवात केली आहे आणि याचा खरोखरच आम्हा सर्व भारतीयांना अभिमान आहे। मॅडम आपलं वेलकम। त्याचप्रमाणे डॉक्टर सतीश तिवारी सर जे ह्याच्यामध्ये कार्यरत आहे त्यांचं मी स्वागत करतो। मी स्वागत करतो संध्या खडसे मॅडमचं ज्यांनी यामध्ये पहिली मोबाईल ह्युमन मिल बँक काढली होती त्याचं मी त्यांना स्वागत करतो। स्वागत है राजीव भांबरे साहब का जो रोटरी के गवर्नर है। मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की आईचं दूध अतिशय महत्त्व आहे। आईचं दूध प्रत्येक गोष्टीत एक महत्त्वाचं आहे। त्याचं एक अमृतपान आहे। त्याचं बाळाच्या वाढीकरता प्रत्येक त्याचे फायदे आहेत ते सर्व आपल्याला माहिती आहे। पण हे दूध जर आईला कमी असेल तर अशा वेळी काय करावं हा प्रश्न प्रत्येक मातेला येतो आणि प्रत्येक पालकांना हा प्रश्न भेडसावीत असतो। त्यांना महत्त्व तर माहिती असतं की आईच्या दुधाचे फायदे हे आहेत, आईच्या दुधामुळे असं होतं, मला प्रतिकार शक्ती मिळते। परंतु जर खरोखरच आईला दूध नसेलच तर अशा वेळी काय करायचं तर ह्या करता तज्ञ मार्ग आपल्याला तज्ञ जे मंडळी लाभली आहेत ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। म्हणूनच आजचा जो विषय आहे ह्युमन मिल बँकिंग अँड इट्स इम्पॉर्टन्स अर्थातच मानवी दूध पेढी त्याचं महत्त्व मी याकरता प्रश्न विचारण्याकरता आमंत्रित करतो आमचे महाराष्ट्र आयपीचे उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश भाई यांना। ओव्हर टू राजेश भाई। धन्यवाद डॉक्टर जैन सर। आपले जे प्रश्न आहेत ते बिलकुल संयुक्तिक आहे। माझा सगळ्यात पहिले प्रश्न डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस मॅडमना, मॅडम असं काय आहे, ऐसा क्यों है कि लोग डॉक्टर्स लोग बार बार माँ का दूध इस विषय पर बात करते हैं, ऐसा क्या है माँ के दूध में इतना महत्व क्यों दिया जाता है माँ के दूध को? फर्नांडिस मैडम शुरू में मैं सबका माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी मैं जितना बोल सकती हूँ बोलूंगी। क्या है ना डॉक्टर का क्या कर्तव्य है, दो कर्तव्य है मुझे ऐसा लगता है कि एक है लोगों का जान बचाने के लिए, मृत्यु कम करने के लिए, और दूसरा है कि उनका स्वास्थ्य को कैसा अच्छी तरह बढ़ाने के लिए, वो दो कर्तव्य है। और ये दोनों जो है ना माँ का दूध का लाभ में दोनों में फर्क पड़ता है। सिर्फ बच्चा के लिए नहीं, नवजात बच्चा के लिए नहीं, बचपन में भी और जब बच्चा अडल्ट होने के बाद भी उसको लाभ होती है। और सिर्फ माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, माँ को भी और पूरा फैमिली को लाभ होती है। पहला लाभ ये है कि सब लाभ मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इतने हजार लाभ है, मैं थोड़े लाभ जो बता सकती हूँ। एक है कि बच्चे के लिए क्या पोषण चाहिए, बच्चे के लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब पोषण चाहिए। और माँ के दूध में जितना बच्चा को चाहिए और जिस फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्म में अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, वो माँ के दूध में बच्चा को मिलता है। इसलिए बच्चा का हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ हम बताते हैं ना, वो माँ के दूध में ही मिलता है। बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसका फिजिकल हेल्थ सिर्फ यू नो नॉट एक्स्ट्रा नॉट लेस एकदम परफेक्ट होती है, तो माँ का एक लाभ है। दूसरा है हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य ये फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है और मेंटल हेल्थ भी दूध में ऐसे चीज है जिससे बच्चा जो माँ के दूध पीते है ना बच्चे लोगों को IQ ज्यादा होता है। बहुत सारे रिसर्च हुआ है इस पे और एक मुझे याद आता है कि एक रिसर्च जिसमें प्रेमेच्योर बेबीज थे, दो ग्रुप से, एक में सिर्फ माँ का दूध दिया हो पाए, दूसरा
ऊपर का दूध, और उसमें हमने देखा है कि जो बच्चे लोगों को सिर्फ माँ का दूध दिया है पूरा स्कूलिंग में, स्कूलिंग के बाद उनका आईक्यू, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, बेटर देन दैट इन द नॉन ब्रेस्टफीडिंग ग्रुप। तो एक है फिजिकल हेल्थ, सेकंड इज मेंटल हेल्थ, तीसरा है जब माँ बच्चा को दूध पिलाते हैं ना तो माँ गोद में लेती है, माँ ने स्तन पे रखती है, माँ के आंखों बच्चे पे जाते हैं, तो बच्चे और माँ में ये जो प्रेम बढ़ जाते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल बॉन्डिंग। तो इमोशनल बॉन्डिंग जो है जीवन भर में माँ और बच्चे में इमोशनल बॉन्ड बढ़ जाता है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो इमोशनल बॉन्डिंग। दूसरा बहुत बड़ी लाभ है, अभी मृत्यु जब होते हैं बच्चे में और नवजात बच्चों में, उसका कारण सबसे ज्यादा है इन्फेक्शन, डायरिया, जुलाब से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया, और माँ के दूध में इतने सारे चीज है, 1000 चीज है, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिंस और सारी चीज है जिससे इन्फेक्शन बच्चे में कम हो जाता है, इसलिए मृत्यु मोर्टैलिटी भी कम हो जाता है, इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। बच्चे लोग जो माँ के दूध पीते हैं उनको जुलाब कम है, निमोनियस कम है, कान से जो पू आता है वो कम हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन भी कम है। तीसरा जो लाभ है, बच्चे को एलर्जी कम हो जाता है। अभी जो एस्मा जैसा, जिस फैमिली में एस्मा है वो बच्चे लोगों को सिर्फ स्तनपान किया तो वो एलर्जी, एस्मा कम हो जाते हैं, तो एलर्जी भी कम हो जाते हैं। और अभी हम बचपन की बात करते हैं, जब अडल्ट होने के बाद इस स्तनपान के क्या लाभ होते हैं, जो अडल्ट में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कई प्रकार के कैंसर्स जैसे हॉजकिंस, ओबेसिटी, बहुत सारे चीज अडल्ट में भी लाभ होते हैं। तो बच्चे लोगों को जीवन भर जो स्तनपान लेते हैं जीवन भर लाभ होती है। माँ को क्या लाभ होते हैं, तो माँ का एक है जब बच्चा स्तनपान करते जन्म के बाद ही हम ये स्तन पे लगाकर बच्चे लोगों को दूध पिलाते हैं, उससे वो यूट्रस जो जिससे जहाँ से खून आते हैं माँ का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर वो खून कम हो जाते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज कम हो जाते हैं, एक ये लाभ है। बट उससे भी ज्यादा लाभ है कि कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ ओवरी, जो माँ दूध पिलाते हैं बच्चे लोगों को कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और ओवरी भी कम होते हैं, ओबेसिटी कम हो जाती है। माँ सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से फिगर स्पॉइल, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग से कैलोरीज कम हो जाती है, माँ का फिगर भी अच्छी होती है। और दूसरा है कि फैमिली को क्या फायदा है या लाभ है, फैमिली में दो, एक है अगर माँ 6 महीने पूरे सिर्फ माँ का दूध पिलाते है, सिर्फ स्तनपान करते है, ऊपर से पानी कुछ नहीं देती है, तो इस माँ में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो फैमिली प्लानिंग में भी मदद करती है। और पूरा फैमिली में सोचो स्तनपान में कुछ पैसा नहीं लगता है, दिस इज कुछ पैसा का जरूरत नहीं। दूसरा है जो बच्चे लोग स्तनपान करते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ऐसा बीमारी कम है, इन्फेक्शन कम है, तो डॉक्टर की फीस भी कम रहती है। तीसरा है हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं हो जाते हैं क्योंकि, और इसलिए फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर द फैमिली, इसलिए इतने लाभ है स्तनपान में, माँ के दूध में, सब बच्चा माँ और फैमिली के लिए। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही उत्तम मैडम, आपने संक्षिप्त में और सभी चीजें आपने कवर की है, बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या कर से मैडम, मैडम ने तो फायदे बता दिए, और मैडम का एक शब्द में अगर माँ का दूध के बारे में बोलने जाए तो फर्नांडिस मैडम ये कहेंगे कि वो अमृत ही है। खड़से मैडम, मगर ऐसे काफी बार ऐसे सिचुएशंस आती है कि माँ ये कहती है कि मेरा दूध मुझे, मैं बच्चे तक नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं दूसरे अस्पताल में हूँ, बच्चा दूसरे अस्पताल में है, ऐसी स्थिति में उसका उपाय कैसे किया जाए। खड़से मैडम, आर यू ऑडिबल? यस आई एम ऑडिबल,
Yes. Yeah, yeah. Please, madam. Am I audible to you all? Yeah, yeah, definitely, madam. Definitely. Okay. देखिए जैसा कि अभी फर्नांडिस मैडम ने बताया कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और अमृत ही है, पर हर बच्चे को उसकी माँ का दूध मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। पर फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि माँ दूसरी जगह होती है और बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता है। तो ऐसे परिस्थिति में सबसे ज्यादा हैंडी कुछ होता होगा तो वो है दूध एक्सप्रेस करके, माँ का दूध एक्सप्रेस करके किसी न किसी तरह वो उस बच्चे तक के पहुंचा दिया जाए जहां मतलब बच्चा हो। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करने के लिए एक तो कुछ पंप्स मिलते हैं, मैनुअल पंप्स होते हैं, हाथ से अपन प्रेस करके दूध निकाल सकते हैं और वो दूध 4 घंटे तक के बिना रेफ्रिजरेटर के अच्छे से रह सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क हम बच्चे तक पहुंचा सकते हैं तो वो सबसे उत्तम है, बच्चे को वो दे सकते हैं। पर बहुत बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि माँ का सीजर हो जाता है, नहीं तो माँ पीपीएच हो जाता है, वो शॉक में चली जाती है और बच्चे को उसके बायोलॉजिकल मदर का दूध नहीं मिल पाता। ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा दूध यदि है तो वो है मिल्क बैंक से डोनेटेड ह्यूमन मिल्क। यदि किसी ने दान किया है दूध का तो वो दूध हम बच्चे तक के पहुंचाए और बच्चे को वो दूध पिलाए। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्नांडिस मैडम से मेरा प्रश्न है, अर्मेडा मैडम, आज से 31 साल पहले आपने एशिया का पहला माँ का दूध का बैंक शुरू किया था। उस समय तो शायद हमने किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई चीज होती है। क्या स्थितियां थी, क्या सोच के आपने ये नेक काम शुरू किया था फर्नांडिस मैडम? मैं तो सायन हॉस्पिटल में, बंबई में एक बड़ा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज भी है सायन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे 20 साल पहले अभी 35 साल काम किया है। और वहाँ पे बहुत डिलीवरीज तो बहुत ज्यादा थे, एक 10 से 15 हजार तक साल में इतने डिलीवरीज। पर सिर्फ डिलीवरीज में नहीं, पर जो सीरियस प्रेग्नेंट वेमेन थे, सबसे सीरियस जो माँ थे वो साइन हॉस्पिटल में बेचते थे क्योंकि वो टर्शरी सेंटर था। और तीसरा है सबसे गरीब लोग जो बस्तियों में रहते थे साइन के आसपास में, जितने बस्तियों से माँ आते थे क्योंकि म्युनिसिपल हॉस्पिटल साइन हॉस्पिटल फ्री था, सब बच्चे लोग मान लो कि यहाँ पे आते थे, नवजात बच्चे भी। और 30 मुझे लगता है 35 साल पहले नवजात बच्चे लोगों का मृत्यु बहुत ज्यादा था हॉस्पिटल में। और मैं हमेशा सोचती थी कि देखो इतने बच्चे हैं, प्रेमेचर बच्चे जो 9 महीने से भी कम एज, उनका मृत्यु ज्यादा था। मैं सोचती थी कि एक कारण क्या है, क्यों ये बच्चे लोग गुजर जाते हैं। तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा कारण था बच्चे लोगों को इन्फेक्शन होता था। और क्या इन्फेक्शन, एक जुलाब होते थे, जुलाब से खून में सेप्सिस होता था और बच्चा का मृत्यु होता था। दूसरा तो दूसरे इन्फेक्शन में भी। और मैंने सोचा क्यों जुलाब होना चाहिए, देखा कि हॉस्पिटल में हम डब्बा का दूध, फॉर्मूला जो बोलते हैं ना, डब्बा का दूध पिलाते थे, बॉटल से पिलाते थे। मैंने सोचा कि समझो ये बंद किया तो मृत्यु ऐसा हो सकता है कि जुलाब कम हो जाएगा, मृत्यु कम हो जाएगा। तो मैंने एक पॉलिसी निकाल दिया कि हॉस्पिटल में अभी हम ऊपर का दूध, डब्बा का दूध बंद करेंगे, बॉटल बंद करेंगे और सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे। और चालू किया और करने के बाद क्या हुआ कि जुलाब कम हुआ, मृत्यु भी कम हो गया। मैंने सोचा बहुत अच्छा, यही चालू रखना चाहिए। पर जैसा अभी डॉक्टर संध्या ने बताया कि ऐसे भी बच्चे लोग हैं प्रेमेचर यूनिट में, उनकी माँ आकर उनका दूध नहीं पिला सकते, खुद का दूध नहीं पिला सकते थे। तो बच्चे के लिए हम क्या करते थे, दूसरा माँ जो आते थे यूनिट में वो दूध एक्सप्रेस कर फ्रिज में रखते थे और नर्स ये दूध पिलाते थे बच्चे लोगों को। पर थोड़ा दिन महीने के बाद मैंने सोचा ये करेक्ट नहीं है क्योंकि
उसमें सेफ्टी, जब हम दूध पिलाते हैं बच्चा को, पहला है कि एकदम सेफ होना चाहिए, उससे दूध से बच्चा को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो स्टोर करते हैं ना फ्रिज में स्टोर करते थे, मुझे लगा 4 घंटा 12 घंटा तो वो ठीक नहीं था, और मैंने सोचा कि कैसे हम, और हमेशा दूध का जरूरत है, समझो 4 बजे या 4 बजे सुबह में 4 बजे शाम को, तो उसका स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। तो उसका एक ही आइडिया था कि ऐसा चाहिए, सेफ दूध चाहिए, 24 आवर्स सेफ पास्चराइज दूध, और अच्छी तरह स्टोर करने के लिए एक ही आंसर था, वो है कि एक ह्यूमन मिल्क बैंक चालू करना है। तो मैंने थोड़ा साल पहले मैं ऑक्सफोर्ड में मैंने एक ह्यूमन मिल्क बैंक देखी थी, तो मैंने बोला हाँ मैं ह्यूमन मिल्क बैंक चालू करेंगे, और परमिशंस म्यूनिसिपल का परमिशंस आसान नहीं है, म्यूनिसिपल परमिशंस मिला, और भगवान हमेशा अच्छा आइडिया तो भगवान किसी न किसी को भेजते हैं, भगवान डोनर्स को भी भेजे, और 1989 में मैंने ह्यूमन मिल्क बैंक चालू किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत उम्दा काम किया आपने, सोचा और वो हो गया। मैं खड़से मैडम से पूछना चाहता हूँ कि मैडम ने तो बैंक कैसे शुरू किया, उसके फायदे क्या है बताए हैं, आप ये बताएंगे कि कौन सी माँ दूध दान कर सकती है, या दूसरे भाषा में समझो कि कौन सी माँ ने दूध नहीं दान करना चाहिए। खड़से मैडम प्लीज। हाँ देखिए, दुग्ध दान जो है वो एकदम अत्युत्कृष्ट दान है, यानी माँ अपने पास जो दूध है वो दूसरे बच्चे के लिए देती है, तो ये बहुत उत्तम दान है। तो जब हम माँ लोगों को समझाते हैं तो अनेक माएं तैयार हो जाती है दान करने के लिए, पर कुछ विडंबना ऐसी है कि यदि माँ समझो बीमार है, जैसे उसको HIV है, या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव है, या फिर बाद में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई हाई रिस्क है, तो वो माँ दूध दान नहीं कर सकती। और माँ का वजन यदि कम है, बॉडी मास इंडेक्स 80.5 से कम है, माँ कुपोषित है, तो वो फिर दूध दान नहीं कर सकती। यदि माँ कुछ शराब और तंबाकू और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करती है तो फिर वो माँ दूध दान नहीं कर सकती। और बाकी कुछ एकदम बीमारी यदि होगी तो वो माँ दूध नहीं दे सकती। अदरवाइज हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद दान करने के लिए पर्याप्त दूध उपलब्ध होता है। जब एक्टिव लैक्टेटिंग पीरियड होता है 6 महीना, उस टाइम पे हर माँ 450 ml से 700 ml तक के दूध सिक्रीट करती है, उसमें से उसके बच्चे को सिर्फ 500 ml से ज्यादा दूध लगता नहीं है, और हर माँ के पास ये 150 से 200 ml दूध जो है वो रोज वेस्टेज में चला जाता है, मतलब कपड़े में भीग जाता है, बाहर निकल जाता है और वेस्ट होता है। तो इसी जो दूध वेस्ट हो रहा है, उसका बच्चा पीने के बाद जो दूध वेस्ट हो रहा है उसका, उसी को हम दान में लेते हैं और वो दूसरे बच्चे के लिए हम पिलाने की कोशिश करते हैं। तो यदि माँ की मन से तैयारी है दूध दान करने के लिए, माँ का मन से तैयार होना बहुत जरूरी है, उसका कंसेंट जरूरी है, उसका विलिंगनेस जरूरी है। यदि कोई माँ कहती है कि मैं दूध दान करना नहीं चाहती, तो उससे दूध लेने की कोई जरूरत नहीं है या कोई कंपलसरी नहीं है। अपने दिल से यदि माँ देना चाहती है तो माँ दूध डोनेट कर सकती है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बीमारी है वगैरह, तब नहीं दे सकते। अदरवाइज हर माँ अपने बच्चे को पूरा दूध पिलाने के बाद आराम से दूध दान कर सकती है। बहुत बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद। मेरा प्रश्न है तिवारी सर से कि आमतौर पे जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको क्रॉस मैच करना पड़ता है, तो एक आम प्रश्न ये मन में आता है कि क्या माँ के दूध में भी ऐसा मैचिंग करके दूध डोनेट कर सकते हैं? तिवारी सर प्लीज। डॉक्टर राजेश, आपका जो प्रश्न है काफी अच्छा है, लेकिन मेरा इसमें सुझाव ये रहेगा कि जिस तरह से ब्लड ग्रुप करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, माँ के दूध में मैच करने की जरूरत नहीं है। ब्लड जब हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनके कारण रिएक्शन आने की संभावना रहती है,
लेकिन माँ का दूध जो है उसमें किसी इस तरह के कोई तत्व नहीं रहते हैं जिससे बच्चों को रिएक्शन आ सके, और बच्चे का जो शरीर का जो ढांचा होता है उसमें रिएक्शन होने की जो सिस्टम हमारी रहती है जिसे हम शरीर की रेजिस्टेंस कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो उसमें ऐसे रिएक्शन आने की संभावना नहीं रहती है। तो माँ के दूध से किसी भी बच्चे को कभी रिएक्शन नहीं आएगी। तो एक माँ का दूध किसी भी बच्चे को बिना उसके ब्लड ग्रुप की जांच किए या और कोई जांच किए दिया जा सकता है। जो एक जांच जरूरी है, जैसा अभी तक संध्या कड़से मैडम ने कहा है कि या अर्मिडा मैडम ने कहा है, यदि दूध निर्जंतुक नहीं है तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मिल्क बैंक में जब भी हम एक मास का दूध दूसरे बच्चों को देते हैं तो हम उसमें हमेशा निर्जंतुक की जो प्रक्रिया रहती है जिसे पैस्चराइजेशन कहते हैं वो करके देते हैं, तो इस तरह से बीमारी होने की भी संभावना नहीं रहती है। और अंत में मैं इतने कहना चाहूंगा कि अर्मिडा मैडम ने सारे फायदे बताए हैं। एक सबसे बड़ा जो फायदा है, माँ का दूध बच्चे के लिए निसर्ग की अमूल्य देन है, प्रकृति की देन है। और इसलिए हम ये देखेंगे कि हर जानवर जो स्तनधारी जानवर है, हर जानवर का दूध उसके बच्चे के हिसाब से बनता है। जैसे गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, हरिन का दूध हरिन के बच्चे के लिए, उस प्रकार माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए रहता है। तो ये निसर्ग की अमूल्य देन है, इसमें हमें किसी प्रकार की रिएक्शन की संभावनाएं नहीं है। और जैसे ब्लड ग्रुप जांच करते हैं या क्रॉस मैच करते हैं वैसा कुछ भी माँ के दूध देते समय करने की जरूरत। और क्या इन्फेक्शन, एक जुलाब होते थे, जुलाब से खून में सेप्सिस होता था और बच्चा का मृत्यु होता था, दूसरा तो दूसरे इन्फेक्शन में भी। और मैंने सोचा क्यों जुलाब होना चाहिए, देखा कि हॉस्पिटल में हम डब्बा का दूध, फॉर्मूला जो बोलते हैं ना, डब्बा का दूध पिलाते थे, बॉटल से पिलाते थे। मैंने सोचा कि समझो ये बंद किया तो मृत्यु, ऐसा हो सकता है कि जुलाब कम हो जाएगा, मृत्यु कम हो। तो मैंने एक पॉलिसी निकाल दिया कि हॉस्पिटल में अभी हम ऊपर का दूध, डब्बा का दूध बंद करेंगे, बॉटल बंद करेंगे और सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे। और चालू किया, और करने के बाद क्या हुआ कि जुलाब कम हुआ, मृत्यु भी कम हो गया। मैंने सोचा बहुत अच्छा, यही चालू रखना चाहिए। पर जैसा अभी डॉक्टर संध्या ने बताया कि ऐसे भी बच्चे लोग हैं प्रेमेचर यूनिट में, उनकी माँ आकर उनका दूध नहीं पिला सकते, खुद का दूध नहीं पिला सकते थे, तो बच्चे के लिए हम क्या करते थे, दूसरा माँ जो आते थे यूनिट में वो दूध एक्सप्रेस कर फ्रिज में रखते थे और नर्स ये दूध पिलाते थे बच्चे लोगों को। पर थोड़ा दिन महीने के बाद मैंने सोचा ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सेफ्टी, जब हम दूध पिलाते हैं बच्चा को, पहला है कि एकदम सेफ होना चाहिए, उससे दूध से बच्चा को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो स्टोर फ्रिज में स्टोर करते थे, मुझे लगा 4 घंटा 12 घंटा तो वो ठीक नहीं था। और मैंने सोचा कि कैसे हम, और हमेशा दूध का जरूरत है, समझो 4 बजे या 4 बजे सुबह में 4 बजे शाम को, तो उसका स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। तो उसका एक ही आइडिया था कि ऐसा चाहिए, सेफ दूध चाहिए, 24 आवर्स सेफ पास्चराइज दूध, और अच्छी तरह स्टोर करने के लिए एक ही आंसर था, वो है कि एक ह्यूमन मिल्क बैंक चालू करना है। तो मैंने थोड़ा साल पहले मैंने एक ह्यूमन मिल्क बैंक देखी थी, तो मैंने बोला हाँ मैं ह्यूमन मिल्क बैंक चालू करेंगे। और परमिशंस, म्यूनिसिपल का परमिशंस आसान है, म्यूनिसिपल परमिशंस मिला, और भगवान हमेशा अच्छा आइडिया तो भगवान किसी न किसी को भेजते हैं, भगवान डोनर्स को भी भेजे, और 1989 में मैंने ह्यूमन मिल्क बैंक चालू किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत उम्दा काम किया आपने, सोचा और वो हो गया। मैं खड़से मैडम से पूछना चाहता हूँ कि मैडम ने तो बैंक कैसे शुरू किया, उसके फायदे क्या है बताए हैं, आप ये बताएंगे कि कौन सी माँ दूध दान कर सकती है, या दूसरे भाषा में समझो कि कौन सी माँ ने दूध नहीं दान करना चाहिए।
फिर से मैडम प्लीज। हाँ देखिए दुग्ध दान जो है वो एकदम अत्युत्कृष्ट दान है, यानी माँ अपने पास जो दूध है वो दूसरे बच्चे के लिए देती है, तो ये बहुत उत्तम दान है। तो जब हम माँ लोगों को समझाते हैं तो अनेक माएं तैयार हो जाती है दान करने के लिए, पर कुछ विडंबना ऐसी है, माँ समझो बीमार है, जैसे उसको HIV है या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव है, या फिर बाद में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई हाई रिस्क है, तो वो माँ दूध दान नहीं कर सकती। और माँ का वजन यदि कम है, बॉडी मास इंडेक्स 8.5 से कम है, माँ कुपोषित है, तो वो फिर दूध दान नहीं कर सकती। यदि माँ कुछ शराब और तंबाकू और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करती है तो फिर वो माँ दूध दान नहीं कर सकती। और बाकी कुछ एकदम बीमारी यदि होगी तो वो माँ दूध नहीं दे सकती। अदरवाइज हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद दान करने के लिए पर्याप्त दूध उपलब्ध होता है। जब एक्टिव लैक्टेटिंग पीरियड होता है 6 महीना, उस टाइम पे हर माँ 450 ml से 700 ml तक के दूध सिक्रीट करती है, उसमें से उसके बच्चे को सिर्फ 500 ml से ज्यादा दूध लगता नहीं। और हर माँ के पास ये 150 से 200 ml दूध जो है वो रोज वेस्टेज में चला जाता है, मतलब कपड़े में भीग जाता है, बाहर निकल जाता है और वेस्ट होता है। तो इसी जो दूध वेस्ट हो रहा है उसका, बच्चा पीने के बाद जो दूध वेस्ट हो रहा है उसका, उसी को हम दान में लेते हैं और वो दूसरे बच्चे के लिए हम पिलाने की कोशिश करते हैं। तो यदि माँ की मन से तैयारी है दूध दान करने के लिए, माँ का मन से तैयार होना बहुत जरूरी है, उसका कंसेंट, उसका विलिंगनेस जरूरी है। यदि कोई माँ कहती है कि मैं दूध दान करना नहीं चाहती तो उससे दूध लेने की कोई जरूरत नहीं है या कोई कंपल्सरी नहीं है। अपने दिल से यदि माँ देना चाहती है तो माँ दूध डोनेट कर सकती है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जैसा अभी मैंने आपको बताया बीमारी है वगैरह, तब नहीं दे सकते। अदरवाइज हर माँ अपने बच्चे को पूरा दूध पिलाने के बाद आराम से दूध दान कर सकती है। बहुत बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद। मेरा प्रश्न है तिवारी सर से कि आमतौर पे जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको क्रॉस मैच करना पड़ता है, तो एक आम प्रश्न ये मन में आता है कि क्या माँ के दूध में भी ऐसा मैचिंग करके दूध डोनेट कर सकते हैं? तिवारी सर प्लीज। डॉक्टर राजेश आपका जो प्रश्न है काफी अच्छा है, लेकिन मेरा इसमें सुझाव ये रहेगा कि जिस तरह से ब्लड ग्रुप करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, माँ के दूध में मैच करने की जरूरत नहीं है। ब्लड जब हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनके कारण रिएक्शन आने की संभावना रहती है, लेकिन माँ का दूध जो है उसमें किसी इस तरह के कोई देते हैं जिससे बच्चों को रिएक्शन आ सके। और बच्चे का जो शरीर का जो ढांचा होता है उसमें रिएक्शन होने की जो सिस्टम हमारी रहती है, जिसे हम शरीर की रेजिस्टेंस कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो उसमें ऐसे रिएक्शन आने की संभावना नहीं रहती है। तो माँ के दूध से किसी भी बच्चे को कभी रिएक्शन नहीं आएगी। तो एक माँ का दूध किसी भी बच्चे को बिना उसके ब्लड ग्रुप की जाँच किए या और कोई जाँच किए दिया जाए, जो एक जांच जरूरी है, जैसा अभी तक संध्या कर से मैडम ने कहा है कि या अर्मिडा मैडम ने कहा है, यदि दूध निर्जंतुक नहीं है तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मिल्क बैंक में जब भी हम एक मास का दूध दूसरे बच्चों को देते हैं तो हम उसमें हमेशा निर्जंतुक की जो प्रक्रिया रहती है जिसे पैस्चराइजेशन कहते हैं वो करके देते हैं, तो इस तरह से बीमारी होने की भी संभावना नहीं रहती है। और अंत कहना चाहूंगा कि अर्मिडा मैडम ने सारे फायदे बताए हैं, एक सबसे बड़ा जो फायदा है, माँ का दूध बच्चे के लिए निसर्ग की अमूल्य देन है, प्रकृति की देन है। और इसलिए हम ये देखेंगे कि हर जानवर जो स्तनधारी जानवर है, हर जानवर का दूध उसके बच्चे के हिसाब से बनता है। जैसे गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, हरिन का दूध हरिन के बच्चे के लिए, उस प्रकार माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए रहता है।
फिर निसर्ग की अमूल्य देन है, इसमें हमें किसी प्रकार की रिएक्शन की संभावनाएं नहीं है, और जैसे ब्लड ग्रुप जांच करते हैं या क्रॉस मैच करते हैं वैसा कुछ भी माँ के दूध देते समय करेंगे। मैडम मेरा ये प्रश्न है खड़से मैडम फर्नांडिस मैडम कि ये माँ जब दूध डोनेट करने जाती है तो ये क्या कोई तकलीफ वाली चीज होती है, जैसे ब्लड देते समय निडल लगती है, सुई चुभ जाती है, तो उस तरह से कोई तकलीफ वाला चीज होती है डोनेट करना, या ऐसे कंफर्टेबल चीज होती है फर्नांडिस मैडम? उसमें ज्यादा तकलीफ तो नहीं रहती है, क्योंकि माँ जब स्तनपान करती है तो स्तनपान करती है, पर जब डोनेट करती है तो दूध एक्सप्रेस करना जरूरी है, तो जब एक्सप्रेस करते हैं तो माँ को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, या बैठकर आराम से कुर्सी में, या हम जब मिल्क बैंक चालू किया था जमीन पे भी बैठ सकती है, बेड पे भी बैठ सकती है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन, और आसान से हाथ से भी एक दूध एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर क्या होता है जब हाथ से दूध एक्सप्रेस कर सकते है तो कम दूध आती है और टाइम लगती है, तो आजकल बहुत सारे पंप्स मिलते हैं, मैनुअल पंप्स मिलते हैं, डॉक्टर संध्या ने बताया, और इलेक्ट्रिक मिल्क पंप्स मिलते हैं, तो एक प्रेस डबल दोनों स्तन के लिए मिल्क मिलते हैं, तो दोनों साथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। और क्या है ना, सब हर एक माँ जो हॉस्पिटल में आती है सब माँ को दूध के लिए बताने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि जब माँ घर पे जाती है ऐसा हो सकता है कि माँ को काम पे जाना है, माँ को बाहर जाना है, तो उसको सिखाना है एक्सप्रेस करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा तकलीफ होता है माँ को। जी धन्यवाद मैडम। खड़से मैडम मेरा ये प्रश्न है कि ये दूध को जब अभी जमा तो कर लिया हमने, उसको किस तरह से वैसे ही वापिस बच्चों को पिलाया जाता है, या उसका कुछ निर्जंतुकरण कैसे करते हैं, सादे भाषा में समझाइए हमको। हाँ, जो भी दूध माँ दान करती है, जो माँ दूध डोनेट करती है दान करती है, उस दूध को मिल्क बैंक में प्रोसेस किया जाता है। निर्जंतुकीकरण जो करना पड़ता है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो प्रोसीजर जो है वो मिल्क बैंक यानी मानवीय दुग्ध पेड़ी में होता है, उसको पास्चराइजेशन कहते हैं, और वो एक पास्चराइजर होता है जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड में वो दूध को गर्म किया जाता है। तो जब वो दूध पास्चराइज होता है तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और दूध का जो पोषण तत्व है वो वैसे का वैसा ही रहता है, यानी बच्चे के लिए दूध का पोषण तत्व वो वैसा ही होता है, और वो बच्चे को वो दूध प्रोसीजर करके बाद में माइक्रोबायोलॉजी में एक बार वो टेस्टिंग भी किया जाता है, और उसके बाद बच्चे को वो बेनिफिट दिया जाता है। तो इसके लिए इस ढंग से मिल्क बैंक में होता है। तिवारी सर, ये मेरे अस्पताल में बच्चे को दूध की जरूरत पड़ रही है माँ के मिल्क बैंक से, तो क्या कोई रिश्तेदार जाके वैसे ले जाएंगे, क्या उसका कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे प्रोसीजर होता है उसका? डॉक्टर राजेश, वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्रोसीजर रहे, और इसके लिए डॉक्टर की चिट्ठी या डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन जो हम कहते हैं वो जरूरी है, लेकिन जैसा अभी अपने यहाँ इंडिया में कई चीजें हैं भारत देश में हमारे की बिना चिट्ठियों के भी काम हो जाता है, तो यहाँ भी यदि कोई पेशेंट आता है या हमें लगता है कि भाई उसको जरूरत है दूध की, चिट्ठी के भी हम लोग अभी देते हैं, काफी मिल्क बैंक वाले देते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो डॉक्टर की चिट्ठी जरूरी है। जहाँ मिल्क बैंक में जैसे अपने साइन की जो मिल्क बैंक है यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है और दूध कम रहता है, तो बिना चिट्ठी के नहीं देते हैं, यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो ही मिल्क दिया जाता है। बट जहाँ पे मिल्क ज्यादा मात्रा में है और लेने वाले कम लोग है, वहाँ पे मेरे ख्याल से अभी हम बिना चिट्ठी के भी दे रहे हैं।
मेरा प्रश्न या मेरा यही एक सुझाव है कि डॉक्टर की चिट्ठी को यदि हम जरूरी बनाएंगे तो कई बार जो बच्चे को जरूरत है नहीं मिले तो हम बच्चे की और माँ की जरूरत देखें और उसके हिसाब से दें। ये बहुत बहुत लेकिन कई बार इसका दुष्परिणाम भी होता है। मुझे एक केस यहाँ अमरावती की याद है कि डॉक्टर ने उनको बोला रिश्तेदारों को कि आप दूध लेके आओ, तो वो हमारे पास आए, यहाँ से हमने दूध देना शुरू किया उनको। उसके बाद वो दो तीन दिन बाद फिर बिना चिट्ठी के आने लगे। फिर हमको जब लगा कि ये गलत फायदा उठा रहे हैं मिल्क बैंक का, तो हमने उसको बोला कि माँ को लेके आओ, माँ का दूध निकालेंगे। उस समय 7-8 दिन का हो गया था बच्चा, तो माँ का दूध निकालेंगे और आपके बच्चे के लिए आपका दूध, आपका दूध देंगे। तो उसके बाद से वो माँ भी नहीं आई और वो बच्चे के लिए दूध लेने भी कोई रिश्तेदार नहीं आए। तो इस तरह गलत फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं, इसलिए हमारा सुझाव यही है कि डॉक्टर की चिट्ठी रहने पे ही दूध दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इसमें रहता है, ब्लड बैंक में रहता है, उस प्रकार से ऐसा कुछ प्रोफार में रहना चाहिए, ऐसा मैं सुझाव देता हूँ। डॉक्टर जैन प्रोफार्मा है उसका है। लेकिन इस समय ने बताया कि कई बार ये रहता है कि भाई ठीक है दूध है हमारे पास ज्यादा का तो उसमें देशा नहीं, इसलिए हम गुड फेथ में दे देते हैं। लेकिन इसका गलत फायदा उठाने वाले लोग भी रहते हैं, और जिस मिल्क बैंक में जैसे साइन की या पूना मुंबई की जो बड़ी बड़ी मिल्क बैंक है जहाँ पे उनको दूध की जो जरूरत रहती है वो बच्चे भी ज्यादा रहते हैं। जैसा फर्नांडिस मैडम ने कहा कि उनके यहाँ 30 साल पहले जब शुरू हुई थी मिल्क बैंक, और अभी आज भी सहन में जितने बच्चों को दूध लगता है उससे कम दूध डोनेट होता है, तो वहाँ पे तो बिना प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही एक महत्व की चीज इस विषय में बताना चाहता हूँ कि ये इस पूरे मिल्क बैंक में ज्यादातर न डोनर को कोई पैसे दिया जाता है या जो बच्चों को जरूरतमंद बच्चा है उससे कोई पैसे नहीं लिया जाता, यह एक बात मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। मैं संध्या खड़े से मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि अब कोरोना की महामारी शुरू है और अपने जीवन के हर स्तर पर वो असर कर रही है, ये कोरोना महामारी का अपने मिल्क बैंक पे कुछ उसका कुछ असर है डोनेशन माँ का दूध देने में लेने में कुछ परेशानी है मैडम? संध्या खड़े से मैडम। हाँ एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कोरोना पीड़ित माँ के दूध में कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का वाया ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, अभी तक वो प्रूव हो चुका है। पर फिर भी कोरोना की इस महामारी के वजह से लॉकडाउन है, हॉस्पिटल में रेगुलर बीमार पेशेंट जो है रेगुलर डिलीवरी के लिए जो आना चाहते हैं काफी लोग आ नहीं रहे हैं, और दूध कलेक्टर डोनेशन ये सब करने के लिए जो जाना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज में क्या है कि कुछ मिल्क बैंक इस कारणवश सफर हो रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली मैं सभी मिल्क बैंक के बारे में नहीं कमेंट कर सकती, पर राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज पूना यहाँ पे सब थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है क्योंकि बहुत लोग अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जो डिलीवरी नॉर्मली होता है वो लोग भी जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहते हैं, तुरंत डिलीवरी हुए बराबर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो घर चले जाना चाहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कलेक्शन और डोनेशन में इनाम तो जरूर हुआ है। जी जी शुक्रिया मैडम। मैडम आप ही से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे फर्नांडिस मैडम का नाम एशिया का पहले मिल्क बैंक शुरू करने के लिए जाना जाता है, उसी तरह से खड़से मैडम आपका नाम जो है भारत का पहला मोबाइल बैंक मोबाइल मिल्क कलेक्शन वैन के लिए आपका जाना जाता है, एक नई पहल थी, इसके बारे में आपने इसकी जरूरत क्यों लगी और उसके आपको क्या फायदे लगे मोबाइल मिल्क कलेक्शन? धन्यवाद डॉक्टर राजेश, आपने जो मिल्क कलेक्शन वैन के बारे में जो बात निकाली मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस बारे में बात क्यों यहाँ से शुरू हुई कि जब डिलीवरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के मदर्स जो है वो ज्यादातर दूध डोनेट करते हैं, और हमारे अस्पतालों में एक तो नंबर ऑफ डिलीवरीज बहुत ज्यादा है, जैसे मैडम ने बताया सायन में 10,000 डिलीवरीज होते हैं, तो गवर्नमेंट का रूल है कि 2 दिन में नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ को छुट्टी दिया जाता है।
तो वो माँ जो सनदा माँ है, जो दूध पिलाने की प्रक्रिया सीखती है, उसके बाद कलेक्शन और डोनेशन में जाती है, वो सिर्फ 48 घंटे वार्ड में होती है और उसके बाद वो घर चली जाती है। और इन शुरुआत के 48 घंटों में उसके पास पर्याप्त मात्रा में दूध होता नहीं है कि वो डोनेट भी ज्यादा कर सके। जब एक बार वो बच्चे को अच्छे से दूध पिलाना शुरू करती है और घर पहुंच जाती है तो उसको दूध बहुत निकलता है और उस टाइम पे एक्चुअली दूध के कलेक्शन का बहुत जरूरी है। और माँ उस वक्त में वापस अस्पताल नहीं आती, वो आती है बच्चे का पहला टीका लगाने के लिए। तो इतने गैप पीरियड में फिर उसका जो दूध है वो वेस्ट होता है और बहुत माँ अस्पताल से ऐसी दूध पिलाने के लिए सक्षम होके घर जाती नहीं है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात सोची कि यदि उस माँ को डिस्चार्ज के बाद हम घर जाके उसको एक सुविधा ऐसा दे कि एक वैन लेके जब कलेक्शन करे और उसमें जमा करके लेके आए, ताकि हमारे मिल्क बैंक का कलेक्शन का अमाउंट भी ज्यादा हो जाए और माँ को एक सुकून मिले कि डॉक्टर अपने घर तक आए और हमको देखा और हमें जांचा और हमने कोई अच्छा काम किया। तो इस वजह से मैंने ये मोबाइल कलेक्शन वैन शुरू किया जो सिर्फ पीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में कार्यान्वित है। और यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज की जो मदर्स होती है उनको उनके एड्रेस लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और उनसे पूछ के घर को जाते हैं 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद, और माँ को जाके एग्जामिन करते हैं, माँ को दूध पिलाने के लिए सक्षम है क्या देखते हैं और उससे दूध डोनेशन और कलेक्शन करके वापस हॉस्पिटल में लेके आते हैं और वहां पे फिर प्रोसेस करके मिल्क बैंक में उसको जमा करके बेनिफिशियरीज को देते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मैडम, एक 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 सोच से देखो कितना इसमें फर्क पड़ रहा है। डॉक्टर जयंत, यू वांट टू से समथिंग? मैडम कडसे, मला हे विचारायचं आहे की साधारणतः किती मिल्क बँक महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्या देशामध्ये आहेत? महाराष्ट्र में अपने पूरे देश में देखा जाए तो 57-60 ह्यूमन मिल्क बैंक हो गए आज के तारीख में। अभी कुछ और बढ़ गए हैं, एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता सकते। 70 से ज्यादा है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिल्क बैंक है। महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा मिल्क बैंक है और उसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिल्क बैंक है और राजस्थान में राजस्थान तीसरा नंबर है। और मैडम मुझे ये पूछना है, मोबाइल कलेक्शन जो बैंक है, मोबाइल कलेक्शन जो वैन्स है वो कितनी वैन्स है पूरे महाराष्ट्र में या चाहे देश में? पूरे सिर्फ एक ही है, पीजे मेडिकल कॉलेज पुणे। ग्रेट 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 मैडम, मैं इस गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि अमरावती एक छोटा शहर है मगर अमरावती में 3 मिल्क बैंक्स है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत गौरव की बात है। धन्यवाद तिवारी सर। अभी ये हमने मेडिकल इसमें हमने समझे मिल्क बैंक लगा ली है, क्या इसको अपन हम लोग कुछ कानूनी इसके लिए कार्रवाई की जरूरत होती है, कुछ परमिशंस की जरूरत होती है तिवारी सर? डॉक्टर राजेश, अभी तो किसी कानूनी जरूरत नहीं है। जैसे ब्लड बैंक के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे मिल्क बैंक के लिए अभी किसी लाइसेंस की या परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कानून तोड़ने वाले बहुत जल्दी आगे आते हैं, तो हमें डर है कि इस मिल्क बैंक की भी जो प्रक्रिया है उसमें भी कई गैर कानूनी काम या गैर कानूनी थोड़ा कुछ प्रक्रियाएं होनी शुरू होंगी और उस समय सरकार फिर थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन या ज्यादा प्रतिबंध इस पे लगाएगी और उस समय हमें कई कानूनी करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में कोई बहुत ज्यादा कानूनी प्रक्रियाएं नहीं है। आपके पास यदि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दूध को जमा करने का और दूध को निर्जंतुकीकरण करने का, यदि सारी प्रक्रिया है तो आप मिल्क बैंक शुरू कर सकते। धन्यवाद सर। खड़से मैडम, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग ये समझ गए कि माँ का दूध का कितना फायदा है और जरूरत पड़े तो माँ के दूध के बैंक से हमको फायदा मिल सकता, मगर कोई उसको अगर धर्म के कसौटी पे अगर उसको हम लोग जांचे तो धर्म अलग अलग क्या कहते हैं, ये ऐसा दूध दान लेना देना सही है या कैसे है, धर्म क्या कहता है, रिलीजन क्या कहता है? देखिए इसमें रिलीजियस इश्यूज कुछ ऐसे हैं कि
कुछ रिलीजन में ऐसा माना जाता है कि एक ही माँ का दूध समझो दो दो तीन बच्चों ने पिया है तो वो लोग भाई बहन का रिश्ता होता है, किनशिप इश्यू है। तो यदि फिर आगे चलकर समझो शादी बनाने का कोई मौका आ गया या कुछ हुआ ये बड़े होने के बाद, तो बाद में वो भाई बहन हो जाएंगे, तो ये एक जो बड़ा इश्यू है ये मतलब कुछ रिलीजन्स में ये इश्यू को बहुत भारी तौर पर उठाया है और इस वजह से मिल्क बैंक उन देशों में चल नहीं रहा है और ये किनशिप का जो इश्यू है इसके लिए काफी बहुत प्रॉब्लम लोगों ने क्रिएट किया है। और उसमें से सलूशन सिर्फ यही है कि हम माँ को बता सकते हैं कि कौन से बच्चे यदि उतना वो कॉन्सेंट्रेट करती है तो उस बच्चे को कौन सा दूध मिला। यूजुअली मिल्क बैंक में ये बात नहीं समझाया जाता, ये कॉन्फिडेंशियल है, डोनर को पता नहीं होता कि उसने किसके लिए दूध दिया और बच्चे को भी मालूम नहीं होता कि किस माँ का दूध वो पी रहा है। सब पूल करके दूध आता है मिल्क बैंक में, प्री टर्म के लिए अलग होता है, फुल टर्म के लिए अलग होता है, दूध बच्चों को दिया जाता है पर रिकॉर्ड एक होता है, डोनर का रिकॉर्ड होता है, नंबर होता है, नाम होता है और बेनिफिशियरी का भी रिकॉर्ड होता है, नंबर होता है, नाम होता है। तो यदि माँ चाहती है ऐसा तो उसको हम वो डिटेल्स बता सकते हैं या ऐसा समझाना पड़ता है, तब जाके हमारे देश में काफी ऐसे कम्युनिटी के भी लोग हैं जो सबसे ज्यादा दूध देते हैं, दान करते हैं हमारे पास। मैंने जेजे हॉस्पिटल में मिल्क बैंक चालू किया था जहाँ पूरा एरिया में काफी, पर फिर भी वो लोग दूध देने को कोई दिक्कत नहीं करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे। पर ये धर्म का कुछ जगह पे कुछ देशों में ये बहुत भारी भरकम रिलीजियस इश्यूज है। जी तिवारी सर, आपने अभी कुछ एक बात छेड़ी थी कि इसका लोग गैर फायदा ये ले रहे हैं, इसका गैर फायदा किस रूप में है? माँ के दूध का जरूरत तो बच्चे को होती है, तो उसको व्यवसायीकरण किस रूप में हो रहा है? तिवारी सर, हाँ मेरा है कि जैसा अभी हम लोग ने पिछले आधे घंटे में देखा है, फर्नांडिस मैडम ने भी बोला, आपने भी बोला, खड़से मैडम का भी कहना है कि माँ के दूध को ना तो हम लेने का पैसा डोनेशन करने वाले से पैसा लेते हैं या देते हैं, या डोनर जो दूध लेता है उसको हम पैसे देते हैं, तो हमारी तरफ से इसमें कहीं भी पैसे का लेन देन या व्यवहार नहीं है। लेकिन हम जैसे सभी जानते हैं कि जैसे जैसे माँ के दूध का बैंक बनते गए और उसका उपयोग बढ़ता गया, पाउडर का दूध या जानवर के दूध की खपत कम होते गई है और इस कारण जो कंपनियां ये दूध बनाती थी पाउडर का दूध या जो दूसरे जानवर की थी, उनको अब लग रहा है कि माँ के दूध के उसमें भी व्यवसायीकरण हम लोग कर सकते हैं, इसको भी बंद करके बोतल में बंद करके या डब्बे में बंद करके बेच सकते हैं। माँ के दूध के फायदे हमने सभी फायदे देखे हैं और इतने ज्यादा फायदे हैं कि कुछ कंपनियां इन फायदे को भुनाने के लिए माँ के दूध का ऑलरेडी उन्होंने अभी से माँ के दूध को बेचना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरह जानवर के दूध का पाउडर था उस तरह से माँ का दूध के हम भी पाउडर बनाएंगे और फिर वो माँ के दूध के पाउडर को बेचने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। एक कंपनियां भी है जो माँ के दूध को एक छोटी सी बॉटल में 15 ml एनएम, एक घर का जो बड़ा चम्मच रहता है दाल या चावल का वो 15 ml का होता है, 15 ml दूध करीब 450-450 rupees में हमारे देश में बिक रहा है। तो इस तरह इसका व्यवसायीकरण हो चुका है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है, खासकर जो एनजीओ हमारे साथ जुड़ी हुई है, रोटरी के भामरे जी आज के पैनल डिस्कशन में, तो मुझे लगता है रोटरी या ऐसी जो एनजीओ हैं, हम लोग तो मिल्क बैंकिंग एसोसिएशन और बाकी की जो एकेडमिक एसोसिएशन है वो लोग तो कर ही रहे हैं, एनजीओ का काफी रोल इसमें है कि इस तरह से जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाना जरूरी है और सबसे ज्यादा इसमें रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए कि इस तरह का व्यवसायीकरण कहीं ना कहीं बंद हो। जी शुक्रिया। हमारे प्रश्न तो अभी काफी थे और ज्यादातर प्रश्न के बहुत बढ़िया आप लोगों ने उसके जवाब दिए हैं।
फर्नांडिस मैडम, ये आपके लिए प्रश्न नहीं है, आपकी भावनाएं मैं सुनना चाहता हूँ। 31 साल पहले जो आपने सपना देखा था एक बैंक शुरू करके, आज 70 के ऊपर बैंक्स काम कर रहे हैं और उसमें और भी प्रगति हो रही है, आपको कैसा लगता है अभी? मन को काफी सुकून लगता होगा, तसल्ली लगता होगा, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन लगता होगा? मुझे क्या लगता है कि जो मैंने चालू किया कि बच्चे लोगों का जान बचाने के लिए, मैंने हृदय से चालू किया कि मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ उसके लिए। पर आज क्या हुआ है ना राजेश, कि इतना एविडेंस है, इतना रिसर्च है कि माँ का दूध के बाद कौन सा दूध देना चाहिए बच्चे को। WHO का सेइंग है, माँ के दूध के बाद माँ का दूध नहीं मिल सकता है तो ह्यूमन मिल्क बैंक का दूध देना चाहिए। तो होने के बाद मुझे लगता है कि पूरा दुनिया में और पूरा हमारे पूरा देश भारत में इतने बैंक चालू हुआ है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने कुछ सोचा होगा कि एक काम करना जरूरी है, तो भगवान का सोच किसी को लेकर उनके थ्रू डिलीवर करता है। तो मैं तो एक जो इंसान है कि मुझसे ह्यूमन मिल्क बैंक चालू किया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा है ह्यूमन मिल्क बैंक। पर सबसे ज्यादा है कि एक प्रकार के आइडिया है बच्चे का जीवन बचाने के लिए, और जो कुछ है आइडियाज है वो भी चालू करना चाहिए कि नवजात बच्चे लोगों का मृत्यु कम हो जाए। जी शुक्रिया मैडम। मैं इसके पहले कि डॉक्टर जयंत पांडरीकर उनका कंक्लूडिंग रिमार्क दे, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों हमारे ह्यूमन मिल्क बैंकिंग एसोसिएशन के ब्रह्मा विष्णु महेश है। फर्नांडिस मैडम ने इसकी नींव रखी, तिवारी सर ने उसके टेक्निकल उसकी रूपरेखा बनाई कि किस तरीके से इसको हम लोग बराबर कर सकते। संध्या खड़से मैडम ने उसका प्रचार प्रसार अलग अलग जगहों पे 200 के ऊपर उनके लेक्चर्स खड़से मैडम के हुए हैं। ये तीनों लोगों ने अपना अपना योगदान इसमें भरपूर दिया है, और सबसे बड़ी बात कि इनको आज के इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए मुझे फोन भी नहीं करना पड़ा, एक व्हाट्सएप मैंने उनको मैसेज डाला और तीनों लोगों ने उसको तुरंत जवाब दिया कि हम लोग मिल्क बैंक के लिए हम लोग ये करने के लिए तैयार है। तो मेरा पर्सनल शुक्रिया आप तीनों का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महाराष्ट्र राज्य बाल रोग संगठना के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत पांडरीकर कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। राजीव भाई भामरे जी कहाँ गए? भामरे जी ते कनेक्शन लॉस झालं त्याच्यामध्ये राहिले। ओके काय हरकत नाही, वी विल कॅरी ऑन। सर तो मित्रों हमको पता है कि माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है, और माँ के दूध के ऊपर स्तनपान के ऊपर बहुत सारी कविताएं हुई है। दो पंक्तियां मैं पेश करता हूँ। कर्ज तेरे दूध का बोल माँ मैं कैसे चुकाऊं, कर्ज तेरे दूध का बोल माँ मैं कैसे चुकाऊं, तार कितना तुझसे मुझसे बोल माँ कैसे जताऊं, सांस में धड़कन में मेरी तू धड़कती है वन की जीवन, कर्ज तेरे दूध का बोल माँ मैं कैसे चुकाऊं। तर मित्रांनो आज अपन अतिशय सुंदर अस पैनल संवाद चर्चा सत्र अपन आज ह्यूमन मिल्क बैंकिंग वरती अपन ऐकल। खरोखरच या करता जस आता डॉक्टर राजेश यांनी सांगितलं कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात इथे या क्षेत्रातले आज आलेले आहेत। मी आज सोबत मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की अमरावती मध्ये ज्यांनी या ब्रह्मा विष्णु महेश यांचे मार्गदर्शन घेऊन बँक सुरू केली, ह्यूमन बँक सुरू केली, असे म्हणजे डॉक्टर राजेश गुप यांनी आज या पूर्ण चर्चा सत्राचं मॉडरेशन केलेलं आहे। मी त्यांना इथे धन्यवाद देतो। थँक्यू फर्नांडिस मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर खरसे मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर तिवारी सर। तर मित्रांनो आपण अशाच या सायंटिफिक सेमिनार्स वरती म्हणजे आपण शास्त्रोक्त विषयांवरती बालकांच्या विविध आजारांवरती पुनश भेटत जाऊया। आणि शेवटचा संदेश मी असाच सांगेन, ह्यूमन बिल्क बँक अतिशय महत्वाची आहे, ज्याचं छोटस रोपट फर्नांडिस मॅडमनी 31 वर्षापूर्वी लावलं होतं आणि आज त्याचं तयार झालेलं आहे। तर मी पुनश सर्व सांगू इच्छितो की जर तुमच्या आईला दूध कमी असेल तर कृपा करून दुसऱ्या दुधाकडे जाऊ नका, किंवा जनावरांचं म्हणा किंवा डब्याचं दूध म्हणा याकडे जाऊ नका। आपल्या आसपास कुठे विचारपूस करा की ह्यूमन मिल्क बँक आहे का,
आणि डेफिनेटली तुमच्या बाळाला ते दूध जर मिळालं तर ते डेफिनेटली त्याला फायदेमंद राहील. विशेषतः जर तुमचं बाळ कमी वजनाचं असेल, प्रीमॅच्युअर असेल, तर तुम्हाला अगदी आवर्जून सांगेल की त्या बाळाला आईचं दूध द्यावं. नमस्कार, मी रोटरी राजेंद्र भामरे, डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3030. आमचा डिस्ट्रिक्ट हा उत्तर महाराष्ट्र विदर्भ मिळून आहे, नाशिक ते गडचिरोलीपर्यंत. आज रोटरीने ह्युमन मिल्क बँकमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात कामकाज करताय आणि याहून पुढेही काम करायचं मनीषा ठेवलेली आहे. आज मदर मिल्क बँक अमरावतीसारख्या शहरात 2 युनिट चालू आहेत आमचे रोटरीतर्फे, अतिशय सुंदर चालू आहे. त्याचबरोबर वर्धा येथेही चालू आहे, त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव येथेही अतिशय चांगल्या प्रकारे चालू आहे. आज ह्युमन मिल्क बँक ही फार काळाची मोठी गरज आहे आणि आज मी ॲज अ गव्हर्नर म्हणून अपेक्षा करतो का आज आमच्या डिस्ट्रिक्टमधील जेही मोठी मोठी शहरं आहेत या प्रत्येक शहरामध्ये ह्युमन मिल्क बँक स्थापन झाली पाहिजे. कारण आज तिच्यापासून काय फायदे आहेत, इतक्या मोठ्या प्रमाणात फायदे आहेत, हे आम पब्लिकपर्यंत आपण अजूनपर्यंत पोचत नाही. आज ही अवेअरनेसची फार मोठी गरज आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात रोटरी कॅम्पेन करू शकते ह्युमन मिल्क बँकच्या फायद्यांसाठी. व रोटरी स्वतःचा सहभाग आर्थिक असो, फिजिकल असो, सर्व गोष्टीत आपण रोटरी या गोष्टीसाठी सहभाग घेण्याची तयारी आहे. त्यामुळे मी मॅक्झिमम लोकांना विनंती करू इच्छितो की आपण जास्तीत जास्त आपल्या शहरांमध्ये ह्युमन मिल्क बँक स्थापन केली पाहिजे. त्यासाठी रोटरी सर्वतोपरी टेक्निकल असो, सर्व गोष्टीत आम्ही मदत करायला तयार आहोत. धन्यवाद. पुनश्च मी एकदा महाराष्ट्र आयएपी तर्फे सर्व पॅनलिस्ट, विशेष करून फर्नांडिस मॅडम, संध्या खडसे मॅडम, डॉक्टर सतीश तिवारी सर आणि भांबरेजी यांचं मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि धन्यवाद देतो आमचे डॉक्टर राजेश भूप यांना, त्यांनी इतकं सुंदर असं चर्चासत्र घडवून आणलं. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम.